नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। एक के बाद एक 20 गोलियां चली और फिर एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ढेर हो गया। सात समंदर पार कनाडा में सरकार की हिट लिस्ट में शामिल एक गैंगस्टर को दिन दहाड़े गोली से भून दिया गया। इस गैंगस्टर का नाम है सुखदोल सिंह गिल उर्फ सुखा दुनेके। सुखा दुनेके पंजाब के मोगा का रहने वाला है और अब इसकी मौत की जिम्मेदारी ली है देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने कहा है कि सुखा को उसके पापों की सजा मिली है। बिश्नोई गैंग ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। कनाडा में सुखा की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस गैंग ने लिखा कि बम्बीहा ग्रुप का इंचार्ज सुखा दुनेके का कनाडा के विनीपेग सिटी में मर्डर हुआ है। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। इस पोस्ट में बिश्नोई गैंग ने लिखा, इस हीरोइन एडिक्टेड नशेड़ी ने सिर्फ पैसों के लिए बहुत से घर उजाड़े थे। हमारे भाई गुरलाल बराड़ विक्की के मर्डर में इसका हाथ था। संदीप नंगल अंबिया का मर्डर भी इसने करवाया था। इसे इसके पापों की सजा मिल गई। आखिर में लॉरेंस बिश्नोई को सात समंदर पार बैठे इस गैंगस्टर से क्या दुश्मनी थी? कौन है ये सुखा? हम आपको बता दें कि सुखा पंजाब का ही रहने वाला है और बम्बीहा गैंग से ताल्लुक रखता है। बम्बीहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरह ही एक पावरफुल गैंग है और इन दोनों गैंग्स में शुरू से ही लड़ाई रही है। अक्सर दोनों के गुटों के बीच गैंग वॉर की खबरें आती रही हैं। दोनों गैंग एक दूसरे के कई गैंगस्टर को मौत की नींद सुला चुके हैं। सुखा का ताल्लुक खालसा गैंग से भी है, लेकिन वो सुपारी किलिंग का काम करता था। पैसे लेकर वो लोगों को मरवाता था। बिश्नोई गैंग के मुताबिक उनके गैंग के दो अहम सदस्य गुरलाल बराड़ और विक्की के मर्डर में सुखा का ही हाथ था। गुरलाल बराड़ की करीब 3 साल पहले हत्या कर दी गई। वो अपनी फॉर्चुनर कार के बाहर खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। इसी बीच कुछ बाइक सवार ने उस पर 7 राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। गुरलाल की मौत के पीछे बम्बीहा गैंग का हाथ था और फिर इसलिए बिश्नोई गैंग ने बदले में बम्बीहा गैंग के कई गैंगस्टर की हत्या कर दी। इसी तरह लॉरेंस गैंग के विक्रम सिंह उर्फ विक्की की हत्या में भी बम्बीहा गैंग का नाम आया था। इस हत्या में मशहूर सिंगर मूसेवाला का भी नाम जुड़ा था, जिसके बाद मूसेवाला की भी हत्या करवा दी गई थी। सिंगर मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही ली थी। दोनों गैंग के बीच लंबे समय से ये सिलसिला जारी है और अब ये कहानी पंजाब से निकलकर कनाडा तक पहुंच चुकी है। दोनों ही गैंग के कई गैंगस्टर कनाडा में रह रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे खास गोल्डी बराड़ कनाडा में रहकर बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा है, तो वहीं खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला भी कनाडा में ही है। सुखा को अर्शदीप का ही राइट हैंड माना जाता था। पुलिस ने भी ऐसे 41 गैंगस्टर की लिस्ट जारी की है जो देश के बाहर रहकर आतंक फैला रहे हैं और इनमें सुखा का भी नाम शामिल था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।